बिहार कोलियरी कामगार यूनियन सीटू की बैठक डकरा दुर्गा मंडप प्रांगण में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता सीताराम शाही ने की। इसमें बिहार कोलियरी कामगार के सेंट्रल सभी सदस्य शामिल हुए। आपको बता दें कि सभी के उपस्थिति में पूर्णा डी परियोजना शाखा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सुरेंद्र पासवान अध्यक्ष बनाए गए। सदस्य हैं हमारे श्री प्रसाद चौहान जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बिहार कोषाध्यक्ष हमारे अरुण जी हैं, बाकी आपका तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे पहले हमारे जो वरिष्ठ नेता आए हुए हैं आज पूर्णा डी प्रोजेक्ट का कमेटी का गठन के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और पूर्णा डी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी गठन में सबसे बड़ा खुशखबरी है कि सब नौजवान लड़का लोग है और नौजवान का ही ज़रूरत है और ट्रेड यूनियन में आज बहुत बड़ा संकट आया है। उस संकट से निपटने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज तमाम कोयला क्षेत्र, यह जो जब से झारखंड भारत में बीजेपी की सरकार आई है, कोयला को बेचने पर आतुल हुई है। इसका शेयर बेचा जा रहा है, इसका जितना नया जो पैच है, कोयला का पैच है, वो पैच प्राइवेट मालिकों को दे दिया जा रहा है। तो बचेगा जो कोयला खदान, उसकी स्थिति बहुत ही दुखदायी हो जाएगी। नतीजा होगा कोयला खदान बंद हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आज ट्रेड यूनियन का जिम्मेवारी बढ़ गया है और लड़ाई को हमको बहुत बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लड़ना पड़ेगा और उसी लड़ाई के तैयारी के लिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि हजार पूरे सीसीएल के अंदर में खास करके एनके एरिया, पिपरवार एरिया, आम्रपाली, मगध, आपका नया जो सब चालू हो रहा है प्रोजेक्ट, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इसको हम लोग संगठित होकर के नया नए नए कमेटी बना के आंदोलन को तेज करेंगे। स्वदेश वाणी।